नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों आप सभी को पता है सीटी मेंस के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। ग्रुप 56 और 57 का एग्ज़ाम हो चुका है और बाकी एग्ज़ाम लेने के लिए एचएससी पूरा जोर लगा रही है। और एक तरफ कोर्ट केस हो रखा है, कोर्ट ने स्टे भी दे रखा है और उसका भी सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में एडवोकेट साहब ने सब कुछ खोल के बताया है कि आगे क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ और अहम चीज़ जो आपके लिए फ़ायदेमंद है वो क्या बताइए, सीटी क्वालीफाई किए बगैर ये भर्ती कभी पूरी नहीं हो सकती और ग्रुप 56-57 का एग्ज़ाम भी रद्द करना सरकार की मजबूरी बनेगी। क्यों बनेगी मजबूरी और क्यों नहीं पूरी हो सकती, इसका कारण इन्होंने साफ साफ बताया है। तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। दोस्तों यदि आपको इसकी वीडियो देखनी है इनकी, तो इनका खुद का चैनल है, वहाँ पे जाके आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पे वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि YouTube की कुछ गाइडलाइन है। तो इन्होंने जो चीज़ें बताई है मैं आपको वैसे बता देता हूँ। पहली चीज़ तो उन्होंने बताई है 41 सवाल रिपीट हुए हैं जो, उसके बारे में। तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि साफ साफ केस हो चुका है और इसमें जो है कैंडिडेट ही जीतेंगे, एग्ज़ाम इनको रद्द करना पड़ेगा। ग्रुप 56 के बारे में तो इन्होंने सीधा ही बता दिया। अब दूसरी चीज़ सुन लीजिए क्या है, सिंगल बेंच में जो 4 तारीख को फैसला आया था तो उसमें कोर्ट ने स्टे लगा दिया था और कोर्ट ने इनका पूरा रिजल्ट है उसको रद्द कर दिया था। अब HSSC ने 6 और 7 को ग्रुप 56-57 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, तो वो ये बोल के नहीं करवाया कि हमारा रिज़ल्ट सही है, उन्होंने ये बोल के एग्ज़ाम करवाया कि हमने पूरी तैयारी कर रखी थी, कैंडिडेट है वो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच गए हैं और पूरा जो है खर्चा दोबारा से, 1 करोड़ रुपए में खर्चा आता है, लाखों करोड़ों में जो भी है तो वो दोबारा से आएगा, यानी कि सारे सोर्स उपलब्ध करवा रखे हैं। तो इसमें अभी सीधी सी बात ये थी कि जो लॉस होना था वो अगर रद्द करते थे तो भी होगा और करवा लिया तो भी होगा, फ़ायदा होना था तो भी करवा लिया तो भी, ना करवाते तो भी। यानी कि गवर्नमेंट ने ये शो किया है कि मान लो कल को कोर्ट में गवर्नमेंट के पक्ष में आ जाता है तो हमें इसका बेनिफिट हो जाएगा और जो हमने खर्चा लगा रखा है ये वेस्ट में नहीं जाएगा। तो सिर्फ ये बोल के इन्होंने एग्ज़ाम करवाया है, बाकी ना तो इनको और किसी चीज़ की परमिशन मिली है और स्टे जो थी वो एज इट इज़ है, ना स्टे हटी है। अब इसमें इन्होंने बताया कि जो केस था वो किस चीज़ पर अड़ा हुआ है, जो 5 नंबर या फिर 9 गवर्नमेंट जॉब के या किसी भी प्रकार के 5 नंबर एक्स्ट्रा लिए कैंडिडेट ने, तो उसके लिए HSC ने क्या किया था, एक परफॉर्मा फिल करवा लिया था। अब कोर्ट या फिर जो याचिकाकर्ता है जिन्होंने कोर्ट में केस कर रखा है वो ये कह रहे हैं कि इसकी ग्राउंड लेवल पे जांच होनी चाहिए, यानी कि 100% सभी की जांच होनी चाहिए। 3.59 लाख युवा जिन्होंने पेपर दे रखे हैं सबके सब की जांच होनी चाहिए। इधर HSC बोल रही है कि ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ें आपको भी दिख रही है कि यदि डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करने लग जाए सबसे डॉक्यूमेंट लेके, तो HSC की जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग कम से कम 3 महीने से प्लस टाइम आराम से लग जाएगा, और जो नॉर्मल टाइम में करते हैं उसके अकॉर्डिंग तो इनको 4-5 महीने भी लग सकते हैं। अब सोच के देखो, 3 महीने यदि डॉक्यूमेंट में लगा देगी, सितंबर अक्टूबर नवंबर, एग्ज़ाम लेने का टाइम कब आया, दिसंबर जनवरी, तब तक इलेक्शन आ जाएंगे और गवर्नमेंट ये चाहती है कि हर हालात में इनको जो है 32,000 वैकेंसी ये है और 13,000 के आसपास ग्रुप डी की है, TGT PGT की है, पुलिस की भी है, यानी कि टोटल 65,000 वैकेंसी है, ये दिसंबर तक पूरी करने की पूरी ठान रखी है। हर बार इनके टारगेट पूरे हो ना हो लेकिन इलेक्शन की वजह से ये टारगेट पूरा करके ही मानेंगे, ये सब आप भी जानते हैं और हर कोई इस चीज़ के बारे में जानता है। तो अब आप एक बात सोचिए, जब कोर्ट ये ऑर्डर दे देगी इनको कि या तो, अभी फ़िलहाल कोर्ट ने यही बोला था कि या तो जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 3.59 लाख युवा है इनका, या तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो या फिर इन सभी कैंडिडेट को एग्ज़ाम में बैठने का मौका दो। यानी कि अभी आपको ये नहीं पता कि इसमें फर्जी 1 है 10 है 1,000 है या सारे हैं, इसमें अभी कुछ भी पता नहीं है। मान लो जो गलत नंबर लेने वाले हैं यदि आपने जाँच ही नहीं की तो सारे भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है, हमें तो कुछ भी नहीं पता ना कितने हैं कितने नहीं। तो मान लो जैसे आपने कट ऑफ जारी कर दी 65 पे, इसमें हो सकता है 65 से ऊपर वाले सारे भी हो, फर्जी 1 भी ना हो, कोर्ट ने ये चीज़ मतलब शो किया है उसमें फर्जी 1 भी ना हो, सारे भी हो, 500 भी हो 1,000 भी हो, कुछ भी पता नहीं है। तो इसी तरीके से इन सब ये आंकड़ा है जो 3.5 लाख का, इसमें भी कोई पता नहीं है कितने गलत हो सकते हैं कितने सही हो सकते हैं।
तो अब कोर्ट ने सीधा सीधा यही उनको बोल रखा था कि या तो आप इन सब की जांच करवाएं या फिर सबको एग्ज़ाम में बैठने का मौका दें, यानी कि सबका एग्ज़ाम लेके आप बाद में जैसे मर्जी आप दो गुना चार गुना जो बुला के आप उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको पता है, HSSC 3-4 महीने सबके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा नहीं पाएगी, इस वजह से सरकार गवर्नमेंट को या HSSC की मजबूरी बन जाएगी ग्रुप 56-57 के एग्ज़ाम को रद्द करके दोबारा से सबके एग्ज़ाम लेने की। तो ये चीज़ इन्होंने सामने बताई है, क्या होता भविष्य में ये तो अभी समय बताएगा। HSSC कोई अपना दिमाग लगा देती है, कोई पैंतरा खेल लेती है तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते। उससे कहने का मतलब यही है कि एक बार एग्ज़ाम लेके नौकरी दे देगी लेकिन भविष्य में नौकरी का खतरा ही बना रहेगा, और यदि क्वालिफाई कर देते हैं तो मेरा मानना यही है कि आगे सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी, और क्वालिफाई करने के बाद यदि एग्ज़ाम लेते हैं तो आगे नौकरी का खतरा भी नहीं रहेगा, जो साथी नौकरी लगेंगे उनकी नौकरी सही सलामत चलती रहेगी। वरना तो यही रहेगा, मेहनत करके आप 2-4-6 महीने या 1 साल 1.5 साल 2 साल में ज़रूर हटाए जाने की चांस रहेंगे, क्योंकि कोर्ट केस दोबारा से होंगे। अभी सिंगल बेंच से डबल बेंच से कोई सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुँचे पता नहीं है, सब लोग केस कर रहे हैं तो होने को कुछ भी हो सकता है। आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।